इस वक्त देखें अब आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, शर्मिंदगी मुझे हुई, शर्मिंदगी कि जब भी मॉनसून आता है, जब भी बारिशें होती हैं, सिंध के अंदर सैलाब आता है। डॉन के अंदर ये स्टोरी छपी है, अनुमान था मॉनसून की दुल्हन, वो क्या थी? अनफॉर्चुनेट, दुख होता देख के। ठीक है जी, बदकिस्मती क्या है कि बहसियत कौम दुनियावी लिहाज से माशर्ती तौर पे सोशली कल्चरली हम विद एवरी पासिंग डे नीचे जा रहे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मॉनसून की दुल्हन है। देखें ये सोसाइटीज जो हैं ये कोई रातों रात ऐसे बन नहीं गई हैं कि सुबह सुबह उठे तो ये सारी ईंटें लगी हुई थी। और इसके अंदर हमारी जो है ना, आप मुसलमान हैं और आप एक खास किस्म के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की यह बड़ी खबर है जिससे पाकिस्तानी समाज का जो काला चेहरा है वह सामने नजर आ रहा है। सवाल यह है कि यह पाकिस्तानी मीडिया उसी पाकिस्तानी समाज का हिस्सा है? लेकिन आप देखते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी मीडिया पे बड़े बड़े एंकर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, खासतौर से पाकिस्तान के टीवी चैनलों के, कोई भी बात बोलने से पहले हमेशा ऊपर वाले का नाम लेते हैं और इवेंट की जो पाकिस्तानी रिएक्शन देते हैं उनको भी आप सुन सकते हैं कि हर बात पे वो ऊपर वाले का नाम लेते रहते हैं, जिससे मानो यह पता चलता है कि जो पाकिस्तानी है या फिर ये जो पाकिस्तानी समाज है कितना सच्चा है, कितना पवित्र है, कितना धार्मिक है। लेकिन आए दिन जो इसी पाकिस्तानी मीडिया से खबरें निकलती रहती है और ये पाकिस्तानी बातें करते रहते हैं, उससे साफ पता चलता है कि इन पाकिस्तानियों की बातों पर कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। और यही वजह है कि शायद पाकिस्तान इस समय खुद के बनाए क्रिएट किए प्रॉब्लम में उलझा पड़ा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस वीडियो को। इस वक्त देखें अब आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, शर्मिंदगी मुझे हुई, शर्मिंदगी। सिंध के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सुजाग संसार, माशूक ब्रह्मनी उसके कोई फाउंडर है उस ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने कंप्लेन की गवर्नमेंट को कि जब भी मॉनसून आता है, जब भी बारिशें होती हैं, सिंध के अंदर सैलाब आता है। और उसको उसका अनुमान था, अगले दिन डॉन के अंदर ये स्टोरी छपी है, अनुमान था मॉनसून की दुल्हन, वो क्या थी? 45 अंडर एज बच्चियों से शादियां की जा रही थी। जितने उस एरिया के आसपास हमारा लोग पैसे वाले होते हैं वहां बच्चियां खरीदने चले जाते हैं, और जो लोग सैलाब से लूट चुके होते हैं उनकी बच्चियों से शादियां बनाते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मॉनसून की दुल्हन है। और ये स्टोरी 2022 से चल रही है। हर साल जब सैलाब आता है मॉनसून का, तो वहां मॉनसून की दुल्हनें बिकती, हवा की बच्चियां बिकती हैं, वहां जानवर खरीदते हैं उन बच्चियों को। मेरी समझ से बाहर है कि हम कहां जा रहे हैं। इराक के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन असेंबली में पेश कर दिया है कि 9 साल की बच्ची से शादी करना लीगलाइज किया जाए। ये क्या है? सर पूछना चाहूंगा, ये क्या है? इंसान किस तरीके से जानवर बन जाता है? लेकिन सर कम से कम गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया, इनको रोकने की कोशिश तो की है, उसकी डॉक्यूमेंट्री तक बन गई। आरजू नहीं, 45 शादियां रुकी है, पता नहीं कितनी सैकड़े कितने हजारों बिकी है। ये तो आटे में नमक के बराबर है ना जो सामने आया है। मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूं कि जानवर किस तरह मंडियां लगाकर बैठे हैं इस 21st सेंचुरी में, 2024 में। मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूं, किस तरह महबूब हुसैन को एक पंजाबी होने पे मारा गया जो 6 बच्चों का बाप है, किस तरीके से बंगाली हिंदुओं को मारा जा रहा है धर्म भेस पे जाके, कि सैलाब से लुट जाते हैं तो किस तरह जानवर इकट्ठे होकर उनकी बच्चियों को खरीदते हैं मंडी लगा के। इंसानियत के मुंह पे तमाचा नहीं तो क्या है? किस तरह आप कहेंगे कि आप इंसान है? बिल्कुल ऐसा ही कहूंगी, हो सकता है आपको पता ही होगा, कराची में कोई मॉल नया बना और उसको उन्होंने लॉन्चिंग में कहा कि जी डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, और लोग गए, उन्होंने वैसे ही लूट लिया पूरा मॉल। और अब एक तमाशा जो है वो लगा हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पे, सभी मजाक उड़ा रहे हैं भारत से भी और यहाँ से। क्या होना है आरजू, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के हमेशा मैं कहता हूँ मैं जख्मी हूँ, आप तो उस मॉल की बात कर रहे हैं। पिछले दिन अगले दिन मुझे एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी है, तो मुझे बहुत दुख नफरत हुई है। पीछे से फैसल मस्जिद नजर आ रही है, सामने किसी जुलूस में एक बच्ची को हाथ लगाने के लिए स्टैम्पीड हो रही है, उसको टच करने के लिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान।